उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की रगोली जेल में शुक्रवार को आपसी झड़प में एक कैदी ने दो अन्य की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जेल सुरक्षा कर्मियों ने उसे भी मार गिराया। इस फायरिंग में मारे गए कैदी का नाम मिराज बताया जा रहा है, जो बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का करीबी था, जबकि दूसरा मारा गया बदमाश मुकीम काला है। इस घटना में फायरिंग करने वाले गैंगस्टर अंशु दीक्षित को भी पुलिस ने मार गिराया। कूट जेल में दो अपराधी गिरोहों के संघर्ष में तीन अपराधी मारे गए हैं, मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या अंशु दीक्षित ने कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अंशु दीक्षित को मार गिराया है। मुकीम काला एक खूंखार अपराधी था, उसके ऊपर 61 मुकदमे चल रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके आतंक के नाते से शामली मुजफ्फरनगर जिलों में बड़ी संख्या में पलायन की घटना प्रकाश में आई थी। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या भी मुकीम काला ने ही की थी। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल चुनाव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उप बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। मुकीम काला पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती जैसे 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कभी चिनाई मिस्त्री रहे मुकीम की गिनती हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में होती थी। वहीं मुकीम काला को मारने वाले अंशु दीक्षित को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से साल 2014 में गिरफ्तार किया था। तब उसे सीएमओ विनोद आर्या के बहुचर्चित हत्याकांड के आरोप में अरेस्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने कालिया को मारने की सुपारी ली थी। इसे अंजाम देने के लिए उसने सेटिंग से चित्रकूट जेल में अपना ट्रांसफर करवाया था। चित्रकूट जेल में गोली मारकर कैदी की हत्या करने के आरोपी अंशु दीक्षित का नवंबर 2018 का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रायबरेली जेल में अपराधियों द्वारा बैरक में कारतूस, पिस्टल की मौजूदगी में शराब पार्टी करने और फोन पर धमकी दे रहा है। चित्रकूट जिले की रगोली जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसी लगी, ये भी अफसर बताने को फिलहाल तैयार नहीं है। बदमाश अंशु दीक्षित के पास पिस्टल कहां से आए, ये पुलिस प्रशासन पर एक